मैट्रिक्स है। सो इसमें हम क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 2, 1, 5, 3, ठीक है, ये हमने मान रखा है। और ए इज इक्वल टू क्या होता है, आई ए, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा 2, 1, 5, 3 इज इक्वल टू, और ये हमारा हो जाएगा 1001A, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, R1 tends to ऑपरेशन लगाएंगे, R1/2, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखिए R1 में क्या चेंज हो जाएगा, 2 हमारा 1 हो जाएगा, हाफ हो जाएंगे सब, और ये 5/2 हो जाएगा, और ये 1/3 ये हमारा कैसा रहेगा, वैसा ही बना रहेगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और ये 0, और ये 0, 1, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब हम देखिए इसमें क्या लगाएंगे, R2 tends to हम लगाएंगे R2 - R1, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए ये 1/5/2 इज इक्वल टू 1/2, 0, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए मैं पहले लिख दे रहा हूं। अब R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 1 में से 1 को अगर सब्ट्रैक्ट करें क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, देखिए R2 में से, ठीक है, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ठीक, इसमें हमारा R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक, R2 - R1 ये कितना हो जाएगा, -1/2, ठीक, और ये 1 - 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये A हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम ऑपरेशन लगाएंगे R1 tends to R1 - 5R2, ठीक है, उससे देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, तो 5/2 में से 5/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये हमारा क्या, 0 हो जाएगा, और ये हमारा 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए ये 1/2 में से हम क्या करेंगे, -5/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/2 -5/2, तो कितना हो जाएगा, +5/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 हो जाएगा, 0 में से 5R2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई होगा इसमें 0 - 5, तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक, और ये हमारा -1/2, और ये हमारा है A, ठीक। अब देखिए R2 में हम क्या करेंगे, R2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2R2, ठीक, ये जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1001 इज इक्वल टू, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 - 5, और ये हमारा -1, ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 2A, ठीक। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये A इनवर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो A इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इनवर्स हमारा आ जाएगा 3 - 1 - 5 और 2, बस ये हमारा आंसर है।